हेलो एवरीवन, आई हम इंटीग्रेशन चैप्टर 7 करने वाले हैं। उससे पहले देखिए, मैं एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले आपको मैं फॉर्मूले लिखा देता हूँ उस एक्सरसाइज के, ठीक है। अब देखिए, आप A4 शीट ले लीजिए, किसी भी बीच बुक का A4 शीट ले लीजिए और उस पर जो मैं आपको फॉर्मूले लिखाते आऊँगा एक्सरसाइज से पहले आप प्लीज़ उसे नोट करते आइए। उससे क्या होगा, जो एक्सरसाइज आप करते जाएंगे उससे पहले जो मैं कराऊँगा फॉर्मूले, तो आपकी एक दो पेजेस, मतलब जो बीच का पेज होगा, मिडिल पेज होगा, उसमें आपके सारे फॉर्मूलेज इंटीग्रेशन आ जाएंगे। आप अपने रोज रिवाइज करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन मतलब एकदम पक्का हो जाएगा। अब देखिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए यहाँ क्या रिवर्स प्रोसेस चलता है इंटीग्रेशन में। अब देखिए, साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एक कॉन्स्टेंट आता है। अब आपको बताया किसी ने कि इंटीग्रेशन क्या है, इधर रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए ये कैसे होता है डिफरेंशिएशन। देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ डी एक्स रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलती है, 1 मिलती है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, किसका, डी एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ, तो हमें यहाँ मिलेगा ओनली एक्स मिलेगा डिफरेंशिएशन प्लस सी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ एक्स का किया था 1 आया, जब मैं इसका किया तो यहाँ एक्स आ गया, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये समझ में आ गया, ये बनता। अब देखिए 2 वाला, देखिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स डॉट डी एक्स, ये हो जाएगा यहाँ साइन ओनली साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए 3 वाला, इंटीग्रेशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 4 वाला देखिए, कॉस का क्या होता है, सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, या होगा टेन एक्स प्लस सी। 5 वाला देखिए, sec x tan x dx, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आएगा sec x प्लस सी, ठीक है। 6 वाला देखिए, इंटीग्रेशन cosec x डॉट cot x डॉट dx इक्वल्स टू माइनस cosec x प्लस सी, ठीक है। ये आपके sin cos cosec sec स्क्वायर sec tan x cosec cot x, ये आपके हो गए। अब हम देखिए इनवर्स वाले देखते हैं। यस, इसमें एक और रह गया 7 वाला, वो नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन। तो देखिए यहाँ क्या है, एन एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यही डिफरेंशिएशन। अगर हम करते डी आई वाई डी एक्स एक्स पावर एन, तो क्या था, एन एक्स एन माइनस 1। अब यहाँ देखिए हम क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस है कि यहाँ क्या है, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो आपके 7 हो गए। अब हम करते हैं इसके इनवर्स वाले फंक्शन। अब देखिए इनवर्स वाले इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमें इसका क्या मिलेगा, 8 है, इसका हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए 9 देखिए, इंटीग्रेशन माइनस 1 डॉट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, ये डी एक्स में, ठीक है। अब इसमें क्या है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 10 देखिए, इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा इसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 11 देखिए, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे माइनस 1 डॉट डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मिलेगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये तो आपको पता है, डिफरेंशिएशन याद होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें इनवर्स मतलब रिवर्स प्रोसेस में हमें ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन मॉडुलस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी एवरीवन, ये देखिए हमें क्या है, यहाँ जो वैल्यू थी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब साइन इनवर्स एक्स होता है, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। और इसके लिए ये अब हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये वाले। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये 12 हो गया, तो ये होगा हमारा ये sec इनवर्स इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। 13 देखिए, 13 में है इंटीग्रेशन माइनस 1 डॉट डी एक्स अपॉन एक्स मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 1 है आपका, ये लीजिए माइनस 1, जब इसका देखिए sec क्या होता है, माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी, प्लस सी कॉन्स्टेंट है, या आपको पता चलता रहेगा बाद में। तो ये 14 वाला क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x डॉट डी एक्स, इसका कुछ नहीं, e की पावर x डॉट डी एक्स यहाँ प्लस सी, ठीक है। अब देखिए 15 वाला देख लिया, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन x डॉट डी एक्स, यहाँ क्या हुआ,
log x plus c। अभी log x है, यहाँ log modulus x आएगा, ठीक है। modulus मतलब कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू होगी, माइनस यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या है, modulus x आएगा, ठीक है। अब देखिए 16 बार देखिए, इंटीग्रेशन ए की पावर x डॉट डी एक्स, तो ये देखिए इसका क्या हुआ, इंटीग्रेशन ए की पावर x अपॉन log a प्लस सी। देखिए इसका तो यूज बहुत कम है। अब देखिए ये जो वैल्यू आपको देखिए ए की पावर x, इसका बहुत यूज है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, और इनका भी हाँ यूज पड़ेगा। और जो आपको फोन का है वो एक्स है 1.1 से सब रिलेटेड है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, A4 शीट पर इन्हें लिख लीजिए, जिससे कि आप मैं और आपको फॉर्मूला बताऊँ वो आपके लिखते जाएँ, और एक कंप्लीट हमें फॉर्मूलेज की वो मिल जाए लिस्ट। अब देखिए ये तो पार्ट वन था, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिससे कि आप इंटीग्रेशन करने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे क्या जानते हैं, एक्स है 1.1 से लेकर हमें क्या है 1.9, मतलब कि हाँ यही है 1.9, 1.10, 1.11 और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखिए ये जो 1.1 से लेकर 9 तक आप जो करेंगे या 8 तक करेंगे, जो उसके आंसर करेंगे वो क्या है, इसमें से कम तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो यहाँ ये वाले क्वेश्चन है, इसमें से मिसलेनियस में से ये और इसमें से ज़्यादातर इनमें से आपको क्वेश्चन क्या है पुटअप होंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। पर आपको क्या करना है, जब तक आप उनका बेस नहीं आएगा 1.1, 1.2, 1.3 है 1.8, अगर आपको इनका बेस नहीं आएगा तब तक इन्हें आप हिला नहीं सकते हैं, मतलब कर नहीं सकते। इंटीग्रेशन आपको यही सीखना पड़ेगा, जब आप इनको क्वेश्चन को, ये बेस है आपका, आपको ये अच्छी तरह से आने चाहिए, जब तक आपको ये आएगा तो आप इन्हें कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और ये क्या है, बड़े बड़े इंटीग्रेशन होते हैं तो इनका हमें बहुत यूज यहाँ करना पड़ता है। तो आपको यही बताया था कि ये आपको ये ऐसा नहीं कि ये नहीं करना, इसको आपको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि जब आप इन्हें कर लेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे, ये करना था। और तैयारी करते रहिए, लीजिए जाते जाते एक्सरसाइज 7.1 का शुभारंभ करते हैं, मतलब कि इसका शुरुआत करते हैं। ये इंटीग्रेशन में क्या है, साइन 2x दे रखा है, और मैं आपको बताया था साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, यहाँ क्या 2x है। अब देखिए जब आपका 2x से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या, वैसे डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या अपॉन 2 वैल्यू आएगी, मतलब वैल्यू क्या होगी, माइनस 1/2 cos 2x, ठीक है। मिलते हैं अब एक्सरसाइज में, थैंक यू।